हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम जो पढ़ने वाले हैं वो है ऑर्थोगोनल कर्व्स। ऑर्थोगोनल कर्व्स कर्व्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये देखेंगे हम। टू कर्व आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, यानी दो कर्व होंगे वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल कहलाएंगे व्हेन द इंटरसेक्ट टू राइट एंगल, सॉरी, जब वो दो कर्व इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को एक 90 डिग्री के कोण पर। राइट एंगल 90 डिग्री के कोण जो होता है टू ईच अदर ऑफ दियर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि अगर दो कर्व हैं वो अगर किसी जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वहाँ पे वो 90 डिग्री का कोण बना रही हैं, तो उस कंडीशन में कहेंगे दोनों कर्व जो हैं वो ऑर्थोगोनल कर्व हैं। द फंक्शन एफ जेड यू प्लस आयोटा वी कंसिस्ट ऑफ टू फैमिलीज ऑफ कर्व यू एक्स वाई बराबर सी वन एंड वी एक्स वाई बराबर सी टू विच फॉर्म द ऑर्थोगोनल सिस्टम, यानी कोई एनालिटिक फंक्शन है वो जो u प्लस सी वी है उस तरह का फंक्शन जो होता है, इसमें जो कर्व होती हैं u बराबर सी वन और v बराबर सी टू, अगर ये दो कर्व हैं तो ये कर्व जो होंगे वो ऑर्थोगोनल कर्व होंगे। हम इस में ये प्रूव कर पड़ेंगे u x y बराबर सी वन v x y बराबर सी टू। तो फ्रेंड्स ये हो गए हमारे पास। अब यहाँ पे से हम क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएटिंग वन, यानी इस वन को हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स डॉट डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डॉट डी वाई इक्वल टू जीरो। तो फ्रेंड्स ये आ गए हमारे पास वी यू के लिए, सॉरी, डेल यू अपॉन डेल एक्स डॉट डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डॉट डी वाई इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमारे पास हमने निकाल लिया डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे निकाला फ्रेंड्स, ये आप यहाँ से देख सकते हो, डेल यू अपॉन डेल एक्स डॉट डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डॉट डी वाई इक्वल टू जीरो था, तो हमने क्या किया पहले इसको लेफ्ट राइट हैंड साइड में ले गए, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स डॉट डी एक्स बराबर माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई डॉट डी वाई, तो यहाँ से हो गया माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स अपॉन, यहाँ से क्या किया हमने डी वाई को यहीं पर रखा और डी एक्स को उधर ले गए और इसको हम नीचे ले आए, तो ये माइनस साइन के साथ आया, तो ये माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स ये रहा और इसके डिवाइड में डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर डी वाई, तो यहाँ से ये आ गया हमारे पास। इसी तरह से फ्रेंड्स हमने डेल यू अपॉन जो सेकंड जो इक्वेशन है वी बराबर एक्स वाई वी एक्स वाई बराबर सी टू, सॉरी, इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, तो ये हमारे पास आ गया डेल वाई अपॉन डेल एक्स बराबर माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू, इसको हमने दिया एम टू, इसको एम वन एंड एम टू। अब फ्रेंड्स इन प्रोडक्ट का जो स्लोप है इनके हम प्रोडक्ट देखेंगे, तो एम वन और एम टू दोनों का हमने प्रोडक्ट देखा, तो ये आ गया माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई। अब फिर यहाँ से हमारे पास सी आर इक्वेशन की हेल्प लेनी है, क्योंकि हमारा हमने दिया हुआ है कि जो फंक्शन है वो एनालिटिक फंक्शन है, तो इसलिए हमने सी आर इक्वेशन की हेल्प ली। सी आर इक्वेशन क्या होती है, वो होती है डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, डेल वी अपॉन डेल एक्स की जगह क्या पुट कर सकते हैं, डेल वी अपॉन डेल एक्स की जगह हम पुट करेंगे माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, और डेल वी अपॉन डेल वाई की जगह पुट करेंगे हम डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो हमने यहाँ पे पुट किया है, ये फ्रेंड्स हमने यहाँ पुट कर लिए, तो यहाँ पे आ गया माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई जो पहले से था माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस, तो यहाँ ये तो पूरे पे माइनस है यहाँ पे, तो ये हो गया हमारे पास डेल यू अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा और माइनस वन आ जाएगा, तो जो प्रोडक्ट है दोनों स्लोप का वो माइनस वन है। सिंस एम वन एम टू बराबर माइनस वन, टू कर्व यू बराबर सी वन एंड वी बराबर सी टू आर ऑर्थोगोनल, क्योंकि जो उनका प्रोडक्ट है कर्व का वो माइनस वन है, तो उस कंडीशन हम कहेंगे कि जो सी वन और सी टू दोनों कर्व थे वो हमारे पास ऑर्थोगोनल थे, तो यू बराबर सी वन एंड वी बराबर सी टू फॉर्म एन ऑर्थोगोनल सिस्टम। थैंक यू फ्रेंड्स।